दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ मैं संस्था महासचिव जेपी शर्मा आज धौलाबाटा सामुदायिक केंद्र में लॉकडाउन के दौरान हमने एकत्रित राशि पीएम केयर फंड के लिए आज माननीय एमपी साहब सांसद साहब श्री भागीरथी चौधरी जी को समर्पित कर रहे हैं। हमारा ध्येय यही रहता है कि बुजुर्गों की सेवार्थ करें, लेकिन साथ में हम ये भी ध्यान रखते हैं अगर हमारे देश में कोई आपत्ति आ रही है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कैसे भी आपत्ति हो, हम अपने साथियों से ही पैसा इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री कोष में बेचते रहे हैं। ये हमारी पूर्व का इतिहास भी है और अभी हम 4,51,000 का आज दे रहे हैं। इसके पहले ग्रुप संख्या नंबर 2 से संतोष बागवार ने 1,00,000 का चेक दिया और हमारे साथी अलवर गेट से उन्होंने के ताम्रा साहब ने भी 1,11,000 का चेक दिया और साथ में कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी इन सबको भी हम लोगों ने सेलो बोटर दिए। और अभी कुछ समय पहले हमने अपने अपने वर्कर्स में अपने टीम में अपने सीनियर सिटीजन सोसाइटी में होम्योपैथिक दवाओं का भी वितरण। आपका नाम? जेपी शर्मा। सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा सांसद महोदय श्रीमान भागीरथ चौधरी को 4,51,000 रुपये का चेक हमने COVID-19 के सहायता दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे समूह संख्या 2 किशनगंज से शकुंतला बागवान ने भी 1,00,000 रुपये का चेक दीनानंदी जी के माध्यम से पूर्व में दिया था। इसी के साथ साथ ही हमारे समूह संख्या 9 आर्य नगर वाले श्रीमान के ताम्रा जी ने 1,11,000 का सहयोग श्रीमती अनीता बैली के द्वारा पूर्व में दिया गया। ताम्रा जी के द्वारा अलवर गेट पर स्थित थाने में जितने भी लोग कार्यरत थे, पुलिसकर्मी हैं, सफाईकर्मी वगैरह हैं, उनको पानी की बोतल भी उन्होंने अवलोड कराई। उसके अलावा भी उन्होंने पेंशन समाज को भी पेंशन LIC को भी जो चेक वगैरह दिया था तो काफ़ी सहयोग प्रदान किया गया। हमारी संस्था ने केवल इस चेक को देने के साथ साथ ही शहर के अंदर दवाइयों का भी वितरण किया गया था। जितने भी हमारे समूह बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर हमने दवाइयाँ पहुँचाई है और हमारे सदस्य जिन्होंने सहयोग दिया है या नहीं दिया है सभी को हमने दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई है। हमारी संस्था द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या है आपके? हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी संस्था की 46,600 मेंबर हैं जो अजमेर में 23 सेक्टर के अंदर मतलब प्रशासनिक दृष्टि से बिराजे हुए हैं। उन सबकी सामूहिक हाथ प्रतिमा मीटिंग वगैरह होती है जिसमें उनको जन्मदिन के बारे में शुभकामनाएं वगैरह देने का वगैरह ये कार्यक्रम होता है। संस्था द्वारा अजमेर के अंदर 4 वाचनालय खोले गए हैं हमारे, धोलावाटा, रामगंज, दोराई और नाका बाजार। वहाँ पर प्रतिदिन सब लोग जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं इकट्ठे होते हैं वाचनालय के अंदर और अपने अध्ययन वगैरह करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। संस्था द्वारा इतना ही नहीं, प्याऊ का भी आदर्श नगर में प्याऊ का संचालन किया जाता है, हरिभाऊ उपाध्याय नगर के अंदर वृद्धाश्रम में वहाँ पर हमें सेवाएँ प्रदान की जाती है। समूह संख्या 2 द्वारा जो कृष्णगंज है उनके द्वारा हमें गौशाला में अपनी सेवाएँ प्रदान की जाती है। हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं, आज 4,51,000 का चेक तो अभी दिया दे दिया है उनको और 1,11,000 का ताम्रा जी ने दिया था और 1,00,000 का शकुंतला बागवान दिया। इस प्रकार से 6,61,000 रुपये तो हमने नगद दिया है हमारे समूह के सदस्यों द्वारा। और इसके अलावा जो दवाइयाँ वितरित की गई हैं और बोतल्स वगैरह पानी की वितरित की गई जगह सुरेश अग्रवाल अध्यक्ष सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर। देखिए आज बेशक एक कोरोना महामारी की वजह से देश नहीं पूरी दुनिया आम मानव मात्र एक बहुत बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अजमेर शहर में सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा कि ये जो 4,51,000 रुपए का जो चेक दिया गया है इसके हमारे अध्यक्ष सुरेश जी अग्रवाल साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरंजाल जी शर्मा साहब, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रेरणा जी गौड़, सचिव सुनील सक्सेना जी, सचिव जयदेव सांकला जी, बलवीर सिंह जी गहलोत साहब, श्रीमती मंजू माहेश्वरी जी, श्रीमती पुष्पा कछावा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर के अध्यक्ष डॉक्टर पीसिल झाड़ा जी, हमारे उप महापौर
भाई संपत जी साखला जी और सभी यहाँ जो इस कार्यक्रम में आज आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि सीनियर सिटीजन द्वारा ये जो 4,51,000 रुपये का जो आज ये चेक दिया गया पीएम केयर फंड में, एक बहुत बड़ा अनुकरणीय है, ये प्रशंसनीय कार्य है। हमारी संस्कृति आज से अनादिकाल से भी इस बात के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है कि जब जब भी विपदा आती है मानव के ऊपर, तब तब भी हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं, यहाँ की जनता है, वो बढ़ चढ़ कर मानव की सेवा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ के चली है। आज हमें खुशी है कि जो सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा जो 4,51,000 रुपये का ये चेक दिया गया है, स्वतः चलकर और हमारे को बुलाकर ये इन्होंने कहा कि हम इस पीएम केयर फंड के अंदर हम ये राशि देना चाहते हैं। देखिए, आज एक बहुत बड़ी एक कोरोना महामारी के संकट से हमारा प्रदेश नहीं, हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसी स्थिति में ये जो फंड है, ये मानव कल्याण के लिए, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता है। मैं सभी जो सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर द्वारा अध्यक्ष जी से लेकर पूरी इनकी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे ही ये सीनियर सिटीजन सोसाइटी उत्तरोत्तर मानव सेवा में ऐसे कार्य करते रहें और ईश्वर इनको ऐसी शक्ति दे। मैं पूरे इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।